लेकिन त्रिभुज पाठ हमारा इस समय चल रहा है, ये ज्यामिति का एक भाग है। ज्यामिति में शुरुआत जो होती है वो इससे होती है, क्या ही है, जैसे हमारा मार्कर, मार्कर की टिप दिखाई दे रही है, ये गोली पी। अब इसका आकार कितना होता है बिंदु का, बिंदु का कोई आकार नहीं होता, इसके नोक को और छोटा करते जाओ और छोटा करते जाओ, इतना छोटा कर दो इतना छोटा तुम कर सकते हो, तो आपको एक बिंदु प्राप्त होगा। बिंदु का कोई भी आकार नहीं होता, ना ही उसका कोई माप होती है उसके आकार की, ना वो जगह की। अगर एक और बिंदु ले लेंगे और दो बिंदुओं को हम जोड़ देंगे, या हम दूसरी बात करें बहुत सारे बिंदु एक साथ लेके उन्हें जोड़ देंगे, तो ये कहलाता है रेखा, रेखा नहीं रेखा, और इसका नाम है पी क्यू। इसकी लंबाई निश्चित होती है पी से क्यू तक, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इधर बढ़ा दूँ और इसको इधर बढ़ा दूँ, दोनों दिशाओं में बढ़ा दूँ, तो इसकी लंबाई निश्चित नहीं है, कितनी भी बढ़ सकती है, तो ये कहलाती है और इसका नाम लिखते हैं ये तीला। अगर मैं इसको एक प्रारंभिक बिंदु रख दूँ और एक ही दिशा में बढ़ा दूँ और जितने चाहे उतने बढ़ जाए, तो ये बन जाएगी किरण, जिसका प्रारंभिक बिंदु है पी और एक है दिशा, या टॉर्च की लाइट, टॉर्च का बल प्रारंभिक बिंदु हो गया और उसकी लाइट जो है वो एक किरण, इसलिए प्रकाश में जब अध्ययन करते हैं तो हम प्रकाश के किरण कहते हैं, वो गणित से ही आया है, ठीक है। रेखाखंड को इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट, रेखा को कहते हैं लाइन और किरण को कहते हैं रेखा। बात समझ आ गई। अगर हम दो किरणें लें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही रखें, यहाँ से मान लीजिए पीछे एक किरण ये निकल रही है और एक किरण ये निकल रही है, दो किरणें निकल रही, तो किरणों का कोई ना कोई बिंदु, करोड़ों बिंदु है, कोई भी एक बिंदु लेके उसका नाम रख दो ए, इस पर एक बिंदु बना लो, तो ये जो झुकाव आया, जैसे अगर मैं इसे पी कहूँ तो ये झुकाव है, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, ठीक है। ये जो झुकाव है कोनी वाला, ये झुकाव कहलाता है कोण, और कोण में ये जो बिंदु है, ये बिंदु यहाँ पे दोनों किरणे निकल रही हैं या मिल रही हैं, दोनों बातें कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं शीर्ष, और इसकी दो भुजाएं हैं पी ए और पी एफ, इन्हें किरण भी कह सकते हैं। हमारा मकसद तो केवल दो बिंदुओं से दो रेखाखंड निकालने का है, जैसे निकले उन्हें हमने भुजा कह दिया, अब वो चाहे किरण है चाहे रेखाखंड है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें तो ये पता है कहाँ से कौन बनना शुरू हुआ है ना, और इसकी दो भुजाएं, तो इसका जो नाम रखते हैं वो एक भुजा पे स्थित बिंदु शीर्ष बीच में की दूसरी भुजा पे, या इसका नाम रख सकते हैं एक्स पी ए, इस भुजा पे स्थित बिंदु शीर्ष दूसरी भुजा पे स्थित, या कभी कभी किसी सवाल में हम ये भी कह देते हैं कोण पी, यानी जो शीर्ष है उस शीर्ष के पीछे एक कोण का निशान लगा के और आगे बिंदु लिख देते हैं, उससे भी ये हम मान लेते हैं कि हमने इसी कोण का नाम लिखा है जो पी पे बन रहा। बात समझ आ रही है। कभी कभी यहाँ पे लिखा होता है एक दो तीन गिनतियाँ लिखी होती हैं, तो कभी कभी हम इसको इस तरह से भी लिखा देते कोण एक कोण दो, जो भी गिनती लिखी है हम पीछे कोण का निशान लगा के और इस तरह से हम इसको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इस पर बात हो गई। अब आता है हमारा त्रिभुज, कितने कोण हैं इसमें, कोणों की संख्या तीन, क्या क्या नाम है, चलो इस कोण का नाम बताओ, कोण बी ए सी, या इसे कह सकते हैं कोण टी, जैसे अभी एक बच्चे या फिर इसका नाम अगर एक रख दू तो हम एक भी कह सकते, दूसरा कौन ए सी बी या कौन सी या कौन दो ए बी सी या कौन बी या कौन सी,
आप देख रहे हैं शीर्ष बीच में आ रहा है, शीर्ष और एक भुजा पे स्थित बिंदु, दूसरे भुजा पे स्थित बिंदु लेते हैं, तो ये जो व्यवस्था बनती है, ये कोण और ये नापती है इसके झुकाव, ये झुकाव के आधार पर इसको डिग्री में नापते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं। आपके क्लास में जो देख रहे हो आप, ये और ये इन दोनों भुजाओं के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, ये हो गया कोण। फिर आती है समांतर रेखा, समांतर रेखाएं होती है दो रेखाएं अगर हमारे पास है और इन्हें एक तीसरी रेखा काट रही है, अगर दो रेखाएं हैं और उसको कोण काट रही है तो एक ही तरफ ये अंतःकोण कहलाते हैं। आप करके देखना ये एक्टिविटी, इन दोनों कोणों का योग निकालना और इन दोनों कोणों का योग निकालना, मतलब इसको नाप लो चांदी से, इसको नाप लो चांदी से, इसको नाप लो, इसको नाप लो, एक ही ओर के दोनों कोण जब आप जोड़ोगे आप देखोगे जिधर कोणों का योग 180 से कम है ये भुजाएं उधर ही मिल जाएंगी, और जिधर 180 से ज्यादा है उधर आगे बढ़ाने पर ये फैलती चली जाएगी, ठीक है। ये स्थिति आप सब चेक कर सकते हो, दो आप रेखाएं खींचो, एक तिर्यक खींचो, चांदे से नापो उसको, अभी खाली पीरियड में नाप ले, नापने के बाद इनको जोड़ो तो आप देखोगे जिधर दोनों का योग 180 से कम आएगा उधर की तरफ ही ले, किसी का 150 आएगा इधर वाला ज्यादा आ जाएगा, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर दोनों कोणों का योग 180 हो जाए तो, क्योंकि जिधर 180 से कम है उधर की तरफ मिल रही है, जिधर 180 से ज्यादा है उधर की तरफ फैल रही है, लेकिन अगर 180 हो गया तो क्या होगा, तो वो रेखाएं समांतर इस तरह की हो जाएगी जैसे आपके कॉपी में लाइन, ये तिर्यक है और इन दोनों कोणों का योग अगर 180 आ जाए एक ही तरफ वाले या फिर दोनों का आ जाए, इसका नाम मान लो की रखू, इसका नाम क्यू रखू, इसका ए, इसका बी, सी, डी, इस रेखा का नाम क्या होगा, ए बी, इसका क्या होगा, सी डी, इसको ऐसे दिखाते हैं समांतर, ए बी और सी डी समांतर, यदि यदि ए बी समांतर है किसके, और त्रिज्या कौन है, तथा पी क्यू जो है वो कैसी रेखा है, तो दोनों तरह के रिजल्ट निकलते हैं, रेखाएं समानता तो कोणों का योग 180 और अगर कोणों का योग 180 तो रेखाएं समानता। अब यहाँ पे पहले हमने मान लिया रेखाएं समानता है तो बताओ किस किस कोण का योग 180 आएगा, कोण बी बी क्यू क्यू प्लस क्यू प्लस कोण डी क्यू बी क्यू डी, इनका योग कितना आ जाएगा, और ये कैसे कोण कहलाते हैं, अंतर, कैसे कोण कहलाते हैं, अंतर, जिससे अंतर को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक। अब एक ही और ये वाला कोण और ये वाला कोण, तिर्यक रेखा एक ही ओर या तो ऊपर की दिशा में ले लो या नीचे की, एक ही दिशा में दो रेखाओं से जो कोण बनाती है वो संगत कोण कहलाते हैं, कैसे, कौन कौन से संगत कोण, देखो ये जो तिर्यक रेखा है वो इस रेखा से ये कोण बना रही है और ऊपर की दिशा में, ये रेखा इससे ये कोण बना रही है ऊपर की दिशा में, आपको ये वाला दे तो नीचे की दिशा में आ गया, एक ही और एक ही दिशा में तिर्यक रेखा जो दो समांतर रेखाओं से कोण बनाती है वो कैसे कोण कहलाते हैं, संगत कोण, संगत, उनकी माप आपस में कैसी होती है, बराबर, ये सिद्ध नहीं कराया जा सकता, इसको केवल आप दो समांतर रेखा बना के एक तिर्यक बनाओगे, पहले उनके अंतःकोण नापोगे, अगर वो 180 आ गए तो रेखाएं समांतर हो गई, उसके बाद ये वाला कोण जब देखोगे तो वो इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं अभिगृहित, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, संगत कोण बराबर होते हैं यहीं पर, यदि ए बी रेखा किसके समांतर है, सी डी के समांतर है, तो कोण इसका नाम लिख दो एक्स,
का नाम लिख लो वाई एक्स बी कोण एक्स पी बी बराबर होगा कोण पी बी। अब ये बता इस वाली रेखा का नाम पी क्यू रखें या एक्स वाई रखें? दोनों रख सकते, एक्स पी भी रख सकते, पी क्यू भी रख सकते हैं, क्यू वाई भी रख सकते हैं, पी वाई भी रख सकते हैं, पी एक्स भी रख सकते हैं। किसी रेखा का नाम रखने के लिए उस पर स्थित केवल दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर के एक ही रेखा जा सकती है, एक बिंदु से होकर करोड़ों रेखाएं जा सकती हैं। लेकिन अगर आपने दो बिंदु ले लिए, उन दो बिंदुओं से होकर एक ही रेखा जाएगी, तो एक ही रेखा पर स्थित अगर आप दो बिंदु ले लेते हैं तो उससे आप रेखा का नाम, इसलिए आपको कभी भी कन्फ्यूजन भी होता होगा कि हमने कभी पी क्यू ले लिया, कभी ए भी ले लिया, कभी कुछ ले लिया, तो ये इसलिए ले लेते हैं क्योंकि एक ही रेखा पर अगर बहुत सारे बिंदु हैं आप कोई भी दो बिंदु पकड़ के उसका नाम लिख सकते हैं। दूसरा बताओ संगत कोण कौन सा है? ये वाला और ये वाला। क्यों? क्या नाम है इसका? कोण पीक्यू बराबर कोण पीक्यू, ये आपस में बराबर। इसके बाद आता है एकांतक कोण। डी क्यू वाई होगा, एकांतर कोण कौन से होते हैं? जेड में बनने वाले। पहचान क्या होती है? त्रिज्या रेखा के दो समांतर रेखाएं, त्रिज्या रेखा है और दो समांतर रेखाएं, जैसे ये पेन लिखी है। ये दो समांतर रेखाएं मान लीजिए, ये त्रिज्या का, तो इसमें इस त्रिज्या रेखा जो रेड वाली है इसके एकांतर अंत, एकांतर मतलब एक का अंतर, यानी एक कोण एक तरफ होगा और एक कोण दूसरी तरफ। इस त्रिज्या रेखा के एक कोण इधर की तरफ होगा और एक कोण इधर की तरफ होगा, वो कोण कैसे कहलाएंगे? एकांतर। ठीक है, तो अगर हम ये वाली व्यवस्था बनाएं ये बन जाएगी व्यवस्था समांतर रेखाओं की। ठीक है, त्रिज्या की नहीं, बारीक त्रिज्या की भी बनेगी, कैसे नहीं बनेगी, बन जाएगी। अब ठीक है, ये दो समांतर रेखा है, ये त्रिज्या रेखा, तो इस त्रिज्या रेखा के एक और ये वाला कोण, अब ये वाला लोगे तो रेखे के ऊपर कोण हो जाएगा, इसलिए दूसरी तरफ ये वाला कोण लेना, तो ये कोण और ये कोण, बात समझ आ रही है? ये वाला और ये वाला। इस रेखा के एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला, एक और दोनों अंत होने चाहिए, एक अंतर अंत कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। ज्यादातर बच्चों को ऐसे बना दिया जाए जेड में बनने वाला, जैसे ये बनना है ऐसे जेड में, ये बनना है, ये इस रेखा के एक एक तरफ वाला और एक, बताओ कौन से हुए? तो ये आपके एकांतर अंतःकोण भी होगा जो आपस में बराबर होते हैं। पहचान आपको समझ में आ गई, दो समांतर रेखा एक त्रिज्या रेखा, एक एक तरफ का अंतःकोण और एक दूसरे का अंतर, एकांतर का मतलब ही है एक का अंतर। ठीक है, और अगर ये वाले ले लोगे ये तो रैखिक कोण बन जाएंगे, तो इस तरफ का एक अंतर ही है, दूसरी तरफ का यही ऑप्शन बचा आपके पास। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, अंतःकोणों का योग 180। अंतःकोण कौन से हुए? खाली अगर हम अंतःकोणों की बात करें तो अंतःकोण वो हुए, अंतःकोण भी कहते हैं उनको जो दो समांतर रेखाओं में एक त्रिज्या रेखा के एक ही तरफ के दोनों दोनों अंत और एक ही तरफ, इनका योग 180। और एक इधर का अंतःकोण लेंगे वो एकांतर अंतःकोण हो जाता है। समझो आगे बात, तो ये आपके पास समांतर, इन्हीं की जरूरत हमें पूरे त्रिभुजों के पाठ में चैप्टर में पढ़ रही है, पढ़ेगी, पढ़ती रहेगी। ठीक है, इसको आप बेसिक नॉलेज को अपनी कॉपी में नोट कर लें और जहां से जितना भी लिख सकते हो उतना आप लिखें। रेखा की ऊपर कोण, अगर कोई सरल रेखा है, कैसी रेखा है? सरल रेखा।
सरल रेखा का नाम रख दो, इस पर कोई बिंदु है और कोई किरण इस पर खड़ी है, ऐसे रेखा पर के एक बिंदु पर एक किरण खड़ी है इस तरह। तो ये जो दोनों कोण है ये रैखिक योग कोण कहलाता है, पर इनका योग कितना होता है ये भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, नाप के पता लगता है। आप रेखा खींचो, एक त्रिज्या खींचो और चांद से दोनों को नापो और दोनों का योग करो, वो योग आपके पास कितना आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, सिद्ध कर पाएगा कोई? बहुत आसान तरीका, त्रिभुज बनाओ और कैंची से काट लो या इनके कोणों को काट लो यहाँ से, और इन कोणों को आप एक साथ लगा कर देखो इन भुजाओं को, तो ये तीनों एक सरल रेखा का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे लाओ दिखाओ, कैंची है किसी के पास, पेपर दो, पेपर तो होगा, हाँ लाओ कागज बहुत जल्दी, अरे कोई भी कागज ले लो, कागज तो सब पढ़ लो, सबको करना पड़ेगा। मान लो ये मैं एक त्रिभुज बना लूँ और जैसा एक त्रिभुज दो त्रिभुज बना लेता हूँ, मान लीजिए हमने एक जैसे कई सारे त्रिभुज बना लिए, पैमाना तो पैमाना पटरी स्केल इतने नाम बताने पड़े तब जाकर निकला। अब इसे काट लो, मुश्किल काम तो नहीं है, कैंची से बहुत बढ़िया होता है। अब आपने एक जैसे त्रिभुज बना लिए, ये सब एक ही त्रिभुज है, क्यों सारे त्रिभुज एक ही तो है, अब इन्हें कैंची से हम काट लेंगे, ब्लेड ब्लेड आएगी जिसके पास, ब्लेड रखा है कोई, ये आ गया तो ये निकालो, तुम सब समझदार बच्चों फाड़ लो, ये निकल आया, एक और पढ़ ले बस हो गया। अब ये देखो एक जैसे त्रिभुज हैं सारे, ठीक है, तो अब तीन की जरूरत होती है वैसे हमने बहुत सारे बना लिए। अब ये सारे बिंदु जो हैं, ये सारे कोण जो हैं, इनका नाम एयर जो है क्या दिक्कत, इनका सबका भी रख दो, इनका सबका सिर, ये हमारे पास त्रिभुज आ गया। अब इनके तीनों कोणों का योग 180 है, ये दिखाने के लिए हम इनके तीनों कोण जो हैं वो एक साथ छटा के देखेंगे क्या हो रहा है। देखो ये कोण कौन सा आया, ये कौन सा नहीं है, इस साइड ये कोण कौन सा है, ए, ए के साथ बी लगा दो, ये आ गया, बी कोण लगा दिया और बी के साथ सी कोण लगाओ,
अब आप देखो तीनों कोणों का जो है वो एक सीधी रेखा बना रहे हैं, और एक सीधी रेखा यानी ये बिंदु जो है, ये आपका जो बिंदु है वो एक रेखा पे स्थित बिंदु, और इस पे ये जो कोण बन रहा है ये कोण कितने डिग्री होना चाहिए, और ये जो कोण है ये किसके कोण है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, आप खुद करके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये वाला एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। दो रेखाएं बनाओ, एक त्रिभुज बनाओ, और इनके कोणों को नाप लो, नाप कर देख लो किसका योग 180 से कम आ रहा है, तो आप देखोगे इनका झुकाव उधर ही होगा जिधर 180 से कोणों का योग कम आ रहा है। और समांतर रेखाएं बनाओगे, उनको नापोगे, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो आप फटाफट समांतर रेखाएं बनाइए, दो समांतर रेखाएं खींचिए, दूर दूर एक त्रिभुज खींचिए, और ये सारे कोण नाप लीजिए फटाफट। चलो कोई भी त्रिभुज खींचो, कैसे भी चाहते थे उसको नाप लो, करिए एक एक्सपेरिमेंट। अब आपकी थेल्स थ्योरम का आ गया, जो थेल्स थ्योरम हमने सिद्ध करवाई है वो सिद्ध तो करवा दी है, अब आप क्या करेंगे, आप ये सब चीजें सीख गए, अब हमने मान लिया ये सब सीख गए, कक्षा 7, 8, 9 तक की ये बातें थी, कक्षा 10 में हमने इनका प्रयोग करके पढ़ी कौन सी थ्योरम, थेल्स थ्योरम में त्रिभुज भी बनाया, एक समांतर रेखा की रचना भी की, उनकी भुजाओं को भी नापा, ऐसे तो किया, फिर हमने कोणों को नाप के ASA वाला भी समरूपता पढ़ी, कोण 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 समरूपता पढ़ी। अब आप एक त्रिभुज बनाएंगे, अभी यहाँ पे इस त्रिभुज पर ABC नाम दें, जैसे ये त्रिभुज मैंने बना लिए, ठीक है, ये आप ले लेंगे यहाँ से, पर ऐसे और बना लेंगे, ये ABC में कुछ बच्चे ऐसा करना, ये कौन सी भुजा है AB और ये कौन सी भुजा है AC, तो तीसरी भुजा कौन सी बची, इस BC के समांतर रेखा खींचना है, ठीक है, BC के समांतर रेखा खींच लेते हैं, बहुत आसान है, जो खींचना पैमाना रखो, और इसकी तो दोनों रेखाएं समांतर है आपस में, पैमाना इससे सटा दो BC से, अब जो तुम बनाओगे वो एक समांतर रेखा है, आ गई, ये जो रेखा हमने BC के समांतर खींची, इसने इसकी दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटा, कौन कौन सा, एक का नाम रख देते हैं P और एक का नाम रख देते हैं PQ, कुछ ऐसा होगा, अब आप ऐसा करो इन्हें पैमाने से नापो, AQ को, QC को, फिर A कौन सा है, AP और PC को नापो, AQ और QC को नापो, फिर आप इनका अनुपात निकालो AP बटा PP, फिर इनका अनुपात निकालो AQ बटा QP, और ऐसी प्रक्रिया तब तक दोहराते रहो जब तक ये दोनों अनुपात बराबर ना, क्योंकि आपसे अगर नापने में गलती होगी तभी इनके अनुपात बराबर नहीं आएंगे, और सही नापोगे तो आप देखेंगे इनके अनुपात जो है जब आप उन्हें दशमलव में बदलोगे तो उनके मान कैसे होंगे आपस में बराबर। ये एक्टिविटी अभी आप करिए फटाफट।